दहशत फैलाने वाले खूंखार सरिया गिरोह की एक और वारदात। घर में घुस के बुजुर्ग दंपत की लोहे की सरिया से हत्या कर दी और सारा सामान ले उड़े। ये अपराधी बहुत ही शातिर हैं। ये पहले से ही घरों पे नजर रखते हैं और उस वक्त हमला करते हैं जब घर में कोई ना हो। लेकिन अगर गलती से कोई इनके सामने पड़ गया तो लोहे की सरिया से उसे मौत के घाट उतार देते। अब तो लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये कब किसके साथ क्या कर दे, ये सरिया गैंग। पापा ये क्या, पापा क्या देखते रहते हो, लो पानी पियो। क्या पापा ये सब क्यों देखते रहते हो? हाँ इतना टेंशन अच्छा नहीं है पापा आपके लिए, ये सब मत देखो, चलो। ये सरिया गिरोह जिस तरह एक के बाद एक मासूम लोगों की जान ले रहा है उससे सारा शहर डर के साये में है। देखते रहिए समाचार इंडिया। दीनू, हाँ, हाँ। दरवाजा तुमने बंद किया था क्या? अरे किया तो है, कुछ भी बोलती रहती है। भाई बत्ती बुझ गई, सब लोग सो गए होंगे, चल नीचे। अरे नहीं नहीं आप बाहर मत जाओ, ऐसा करते हैं हम पुलिस को फोन करते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, इसके पहले वो पुलिस को बुलाएं, इनको जान से मार डालते हैं। तेरी तो मैं जान दे दूंगा। चले चलो केस सॉल्व, खत्म हो गया सरिया गैंग। पंकज ये डॉक्टर सालुंके के पास ले जाओ जल्दी। इतने सारे रिपोर्टर्स, बाहर जाओ और उनको बोलो जो वो जानना चाहते हैं, हटाओ इनको यहाँ बाहर से। एक एक को पकड़ के ऐसा इंटरव्यू दूंगा ना भाग जाएंगे सब। अरे लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने पसीने पसीने क्यों आया? इसकी वजह से, ये घड़ी की वजह से। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच। सर आजकल ये स्मार्ट वॉचेस ना बहुत चल रहे हैं। ठीक करिए पूरी, बहुत काम की चीज है ये घड़ी। ये देखो
पिछले 24 घंटे में मेरे शरीर में क्या क्या गतिविधि हुई है ये पूरे नाप के बताती है। मेरा हार्ट बीट, मेरा ब्लड प्रेशर, एक एक कदम। अरे यार कमाल है। अरे लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई तुमको यार, फिट रहने के लिए? अब सीआईडी के नौकरी में हर रोज जिम तो नहीं जा सकते हैं, तो इसकी मदद से मुझे पता चलता है कि रोजमर्रा के कामों में मुझे कितना काम करना चाहिए फिट रहने के लिए। अब दिखाता हूं तुमको, घर से यहाँ पे ऑफिस में आया तो घर से ऑफिस आने में मैं 3,743 कदम चल के आया हूँ, 7 सीढ़ियां, और इस पूरे सिलसिले में 200 कैलोरीज मैंने जला दी। क्या तो फिर एक घड़ी मुझे भी दिलाओ यार, फिर देखते हैं कौन कितनी मेहनत करता है। और क्या तोड़ना है? क्लास छोड़ोगे तो नया आएगा, तुम्हारी हड्डियों का क्या? जो भी सवाल करूंगा मैं तुमसे, उसके जवाब अच्छे बच्चों की तरह देना। दोगे? दोगे? देखो देखो इन लोगों को, तुम लोगों ने बड़े बेरहमी से इनकी जान ली है। मारा है ना तुम लोगों ने इन्हें? मारा है ना? आप हम लोगों को झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो साहब? क्या कहा? मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा रहा हूँ? झूठे केस में फंसा रहा हूँ मैं? साहब साहब कसम से, इन तीनों को हम लोगों ने मारा, लेकिन इन दोनों को नहीं मारा और नहीं घर लूटे हैं साहब। झूठ? अगर झूठ बोला ना तो अभी के अभी रखा दूंगा तुम तीनों को। क्या समझे? ये मिस्टर एंड मिसेस नरेन है। 24 अक्टूबर की रात को इनके घर में घुसे थे तुम लोग, इन्हें मारा और फिर उनका घर भी लूटा, है ना? है ना? नहीं सर, सर 3 दिन की सजा में फांसी और 5 दिन की भी हमारी सजा में तैयार है सर, फिर वहां पे झूठ क्यों बोलेंगे? सर हमने इन तीनों को मारा है सर, लेकिन ये मिस्टर और मिसेस नरेन को हमने नहीं मारा है सर। सर ये कैसे हो सकता है? वही तरीका और वही हथियार? तरीका जरूर वही है मगर हथियार वही नहीं। लेकिन सर चोट के निशान को देखने से तो यही लगता है कि उन दोनों का खून लोहे के सरिये से किया गया है। बेशक दया, खून तो लोहे के सरिये से ही किया गया। अरे कमाल, अभी तो आप कह रहे थे कि यार तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी कहां है? अब सुन रहे हैं ना? अब पहले अब उजाला छोड़ दो, जल्दी बता दे। बॉस ये सही है कि सारे के सारे खून ये तो लोहे के सरिये से ही गए हैं, लेकिन नरेन और मिसेज नरेन का खून किसी और लोहे के सरिये से किया गया। इसका मतलब ये है कि 3 खून उस लोहे के सरिये से किए गए जो आप लोगों ने बदमाशों से बरामद किया, लेकिन मिस्टर नरेन और मिसेज नरेन का खून उस लोहे के सरिये से नहीं। ओके सर। बस उन दोनों के डेड बॉडीज में जो घाव है उसमें जो लोहे के पार्टिकल्स मिले हैं वो इस बरामद किए गए सरिये से मैच नहीं होते। इससे एक ही बात साबित होती है कि जो भी कोई कर रहा है ना, ये कोई दूसरी गैंग है जो सरिया गैंग के आड़ में काम कर रही है हमें चकमा देने के लिए। यानी दोनों अलग अलग केस हैं। हाँ दया, 2 अलग अलग केसेस, एक सरिया गैंग का केस और दूसरा उस गैंग का जो सरिया गैंग की नकल करते हैं खून करने के लिए। मिस्टर एंड मिसेस नरेन की फाइल निकालो। October 25, 2016 पुलिस की टीम मिस्टर और मिसेस नरेन के घर पहुंची। आप कौन है? जी मैं हर्ष हूं, नरेन का बिजनेस पार्टनर। सर ये कौन है? सुनील कुमार, मिसेस नरेन के दोस्त। अच्छा, We'll be right back.
सर, मिस्टर और मिसेस नरेन की बेटी आरुषि और उसके पति ने ही देखा था लाश को सबसे पहले और पुलिस को खबर की थी। है कौन ये? कौन हो सकता है जिसे मिस्टर और मिसेस नरेन की मौत से फायदा होगा? सर, खूनी है तो बहुत चालाक, सरिया गैंग की नकल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर, ये तो अच्छा हुआ कि हमने इस गिरोह को पहले ही पकड़ लिया, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि ये कोई और ही केस है। हाँ, एक काम करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस नरेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली निकालो, खूनी को पता तो चले किससे पाला पड़ा है। ये आरुषि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, उन दोनों के मरने का सबसे ज्यादा फायदा आरुषि और उसके हस्बैंड संजय का होने वाला था, पूरे 150 करोड़ का। अरे यार भाई, जरा तू खाना बंद करेगा, खाना बंद कर, आराम से बोल। ओके बताओ। सर, संजय तो खाते पीते खानदान का था सर, मगर इसकी चूहे की आदत ने इसे रस्ते पे ला दी। मतलब सास ससुर की मौत से ये रोडपति अब करोड़पति बन गया। उधार देने वाले इसकी जान के पीछे पड़े हुए। तो सबसे पहले शक, तगड़ा शक किसी पे जाता है। सर, आपके सारे क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गए। संजय, क्या ये सब? तुमने अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट नहीं की? डोंट वरी आरुषि, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आरुषि और संजय चाहते थे प्रॉपर्टी, दूसरा क्या चाहता था देखते हैं उसका क्या मोटिव है। सर, जिसे आप देख रहे हो ना, ये नरेन का पार्टनर हर्ष है। इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी और डील के मुताबिक दोनों में से किसी की अगर मौत हो जाती है तो सारा का सारा बिजनेस दूसरे पार्टनर के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। वाह सर, थैंक यू। हमारी जिम के साथ अपनी कंपनी का टाइप करके आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। एक्चुअली सर, हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन मिस्टर नरेन तैयार ही नहीं थे। अरे, ना तो इस कंपनी में है और ना इस दुनिया में, और आज के बाद सारे पैसे मैं लूंगा। आपके जज्बे को देखकर लगता नहीं कि आपकी कंपनी इतना लॉस में चल रही थी। लॉस में चल रही थी पर अब नहीं चलेगी। लालची, लालची है ये हर्ष। बिजनेस हथियाने के लिए ये खून कर सकता है। क्लियर है सर, बिजनेस में फायदे के लिए ये आदमी कुछ भी कर सकता है। इन दोनों का तो पता चल गया सर, अब देखते हैं पूर्वी का हाथ क्या लगा है। हाय, हमने वीकेंड के लिए रूम बुक किया था, मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, ये सुनील और मिसेस नरेन ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, इनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। दोनों सालों से अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। ये तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। हाँ सर, लेकिन मिसेस नरेन ने सुनील से उस हादसे से ठीक पहले सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो फिर हम सुनील पे शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुनील मिसेस नरेन के इस फैसले से खुश नहीं था। उसने मिसेस नरेन को मैसेजेस भी किए थे कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। सुनो, इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मैं जरा आता हूं। हाँ हाँ, प्लीज कैरी ऑन। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? देखो, मैं तुम्हें जरा कुछ देर के बाद फोन करता हूँ।
अरे मेरी बात तो सुनो, अब अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं तुम मुझे फोन नहीं करोगी, समझी तुम? और मुझे उकसाओ मत वरना बहुत पछताओगी, समझी? सुनील, बड़ी पहुंची हुई चीज है ये। सुनील और हमारा तीसरा सस्पेक्ट, ये है सर हमारे तीनों सस्पेक्ट। लग जाओ इन तीनों के पीछे, पता लगाओ कहां थी ये तीनों जिस वक्त मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून हुआ। सर हाँ, ये आरुषि अपने घर पर ही थी सर। हमने उसके फोन कॉल के लोकेशन और डिटेल से पता किया है, वो करीब 3 घंटे तक अपनी एक सहेली सुनैना से बात कर रही थी। 3 घंटे? हाँ, ये लड़कियां 3 घंटे तक बात क्या करती हैं? अब ये तो CID भी पता नहीं लगा सकती, कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब है ये आरुषि क्लियर है दया, आरुषि सेफ है, और उसका पति ये संजय वो तो घर पर ही था। नहीं सर, वो किसी स्पोर्ट्स बार में बैठा हुआ था पूरी रात, हमने उसका वो क्रेडिट कार्ड डिटेल चेक किया और फोन लोकेशन भी। तो फिर बचे दो लोग, सुनील और हर्ष। सर हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है सर। हर्ष का फोन थोड़ी देर के लिए उसी समय बंद हुआ जिस समय मिस्टर और मिसेस नरेन का फोन हुआ था। ओ, सिर्फ हर्ष का ही नहीं, सुनील का भी फोन उसी समय उतनी देर के लिए बंद हुआ था। दोनों का फोन बंद था? दोनों का? बस फिर पता लगाना पड़ेगा ये मिस्टर एंड मिसेस नरेन की खून के वक्त सुनील और हर्ष कहां थे। अरे कौन हो भाई, हटो सामने से, मुझे धूप का मजा लेने दो। कौन हो भाई? CID? CID। मिस्टर एंड मिसेस नरेन के खून के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। ये उनका मर्डर तो वो सरिया गिरोह ने किया था ना? नहीं, उन दोनों का खून ही कोई और ही है। वैसे मिस्टर सुनील, 24 अक्टूबर की रात करीब 11 से 12 के बीच में आप कहाँ थे? मैं? क्या आपको लगता है कि मिसेस नरेन के साथ आपके खास संबंध साबित करते हैं सब? सुनिए सर, प्लीज इधर के बात कीजिए ना, प्लीज। सर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बताओ। सर 24 अक्टूबर की रात को मेरी वाइफ का बर्थडे था, हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी मेरे फोन में, ये देखिए, एक मिनट हाँ, ये देखिए सर। क्या हुआ मैम, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही हैं? देखिए घबराइए नहीं, ये बस नॉर्मल पूछताछ है। अच्छा आप बता सकती हैं कि 24 अक्टूबर की रात को क्या आपके पति पूरे टाइम आप ही के साथ थे? देखा सर आपने, अब आप ही बताइए मैं एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता हूँ? आपने अपना फोन कुछ देर के लिए स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? सर क्योंकि बहुत फोन कॉल आ रहे थे मेरी वाइफ को विश करने के लिए, और मैं चाह रहा था कि सेलिब्रेशन बस हम तीनों के बीच में ही रहे। उस रात और क्या क्या हुआ था? हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट गए और खाना खाया और फिर घर वापस चले गए। मम्मी आप भूल गए, पापा एक बार बीच में भाग गए थे और उनसे गुस्सा हो गए थे। हाँ शायद उन्हें कोई जरूरी काम आया था, आई थिंक कोई फोन कॉल। लेकिन फोन तो बंद था। अच्छा ये सुनील कितनी देर में वापस आए थे? यही कुछ 20-22 मिनट में, पक्का नहीं बता सकती मैं। टेंशन में थे पापा। टेंशन में थे? देखिए मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं पूरी रात अपनी फैमिली के साथ ही था। गलत।
तुम्हारी पत्नी का कहना है कि उस रात तुम करीब 20-22 मिनट के लिए कहीं चले गए थे और जब लौटे तो बहुत टेंशन में थे। कहाँ गए थे तुम? अब आप कौन है? वो सब छोड़ो, पहले इनके सवाल का जवाब दो। देखिए, मुझे पता नहीं, इस बात को बहुत वक्त हो गया, मुझे ढंग से याद नहीं। मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, आप लोगों के सवाल पूरे हो गए हों तो मैं जाऊं। ठीक है, जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर ढूंढ लेंगे तुम्हें। जी। सर, नरेन का घर उस रेस्टोरेंट से 8 मिनट की दूरी पर है, ये 20-22 मिनट में वहां जाकर खून करके आना इतना मुश्किल नहीं है? सबसे पहले हमें इस 20-22 मिनट की गुत्थी सुलझानी होगी। अरे ध्यान से, ये रॉड अगर मेरे सर पे लग जाता तो मेरी जान चली जाती। कमाल है। अच्छा, बहुत जानकारी है तुम्हें इस रॉड के बारे में, तो तुम्हें पूरा यकीन है अगर ये रॉड किसी के सिर से टकराएगा तो उसकी जान चली जाएगी? हाँ, ये तो किसी बच्चे को ही पता होगा, लेकिन ये सब बेतुकी सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हो? कौन हो? CID। हम यहाँ आपसे मिस्टर और मिसेस नरेन के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। लेकिन उनके खून ही तो पकड़े गए ना? नहीं, सिर्फ सरिया गिरोह पकड़ा गया है, खूनी अभी भी खुला घूम रहा है। लेकिन ये सब सवाल मुझसे क्यों? मैं क्यों मारूंगा उन्हें? वो तो केस सॉल्व होने के बाद पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि 24 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच आपका फोन बंद क्यों था? एक मिनट, आप लोग को लग रहा है कि खूनी मैं हूं? देखिए, मुझे पहले अपने वकील से बात करनी है। पहले आप हमसे बात करिए, उसके बाद जिससे चाहे बात करते रहिएगा, समझे? फोन बंद क्यों था आपका? मैं पिक्चर देख रहा था और पिक्चर देखते वक्त मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, इंटरनेट पे टिकट बुक किए थे मैंने, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से। आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। कौन से थिएटर में फिल्म देख रहे थे? हाई फ्लाई। हाई फ्लाई, ये तो मिस्टर हर्ष है, हर शुक्रवार को फिल्म देखने आते हैं और ये 24 अक्टूबर के रात में भी आए थे यहाँ पे। इसने पूरी पिक्चर देखी थी कि नहीं? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। सर, सर, आप पंकज, CCTV फुटेज चेक करके आ रहा हूँ। हर्ष की गाड़ी 3 घंटे तक पार्किंग लॉट में ही थी। अरे यार, गाड़ी पार्किंग लॉट में थी, वो यहाँ था कि नहीं ये तो नहीं पता है ना? एक काम करो, पता करो उस दिन इंटरनेट से कितने लोगों ने टिकट बुक किया था, सबके नंबर निकालो, किसी न किसी ने तो देखा होगा उसको। सही, नहीं कैसे भूल सकता हूँ, उस रात थिएटर में मेरे आगे वाली सीट पे यही बैठे हुए थे। सर, फिल्म की शुरुआत में मेरे घर से मेरी माँ का फोन आ गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनसे बात कर ली और इस आदमी ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया कि मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन सर, अजीब बात यह है कि इंटरवल के बाद वापस आया और मुझसे माफी मांगी। अच्छा, ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। पंकज, इसके हिसाब से तो हर्ष थिएटर में था, लेकिन इंटरवल होता है 20 मिनट का। सर, नरेन का घर थिएटर के पास में है, अगर कोई चाहे तो इतनी देर में फोन करके वापस आ सकता है। सर, सुनील की बीवी ज्योति ने जो हमें कहा था वो सही था। सुनील उन्हें छोड़कर 20-22 मिनट के लिए अपनी गाड़ी लेकर कहीं बाहर गया था। ये रहे पार्किंग लॉट की फुटेज। का मतलब एक ही है, ये खूनी इन दोनों में से कोई एक है, हर्ष या सुनील, पर कौन हो सकता है? अभिजीत, देख। हाँ सर, एक तरीका है पता लगाने का इन दोनों में से खूनी कौन है। तुम दोनों इन दोनों नामों में से एक एक चुन लो। हर्ष, सुनील, ठीक है, तुम दोनों वहीं पर जाओगे
जहां पर कत्ल के वक्त ये दोनों मौजूद थे, और वही करोगे जो इन दोनों ने किया होगा। अब कुछ ही पलों के लिए अभिजीत तुम हर्ष बनोगे और दया तुम सुनील। अब आने वाले कुछ पल ही हमें बताएंगे कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून इन दोनों में से कौन है, सुनील या हर्ष। आ गया? हाँ सर, अभी मैं ठीक उसी टेबल पे बैठा हूँ जिस टेबल पर सुनील अपने परिवार के साथ उस रात बैठा था। गुड। और मैं यहाँ से ठीक उसी टाइम पर निकलूंगा जिस टाइम पर सुनील का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था उस रात। ठीक है अभिजीत। अभिजीत। हाँ सर। क्या रेडी? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर, इंटरवल होने वाला है सर, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभिजीत तुम? सर टाइम स्टार्ट हो गया। देखो सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसा ही सेट करो, सब फर्नीचर सब कुछ अभिजीत आता ही होगा। आइए। आप तो मर चुके हो। Excuse me. This minute. अब क्या करें सर? दोनों को लगभग एक ही जितना टाइम लगा। शक तो अभी भी दोनों पर ही है सर। हमसे कुछ तो भूल हो रही है, कुछ तो भूल हो रही है। समझ में नहीं आता क्या? अभिजीत, तुमने सब काम 23 मिनट में किया और दया तुमने 22 मिनट में। हाँ सर।
सर फिर तो आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं, रात भर सड़क पे भागेगा तो खींचेगा तो ही। वैसे स्मार्ट वॉच के हिसाब से मैं करीब 14,000 कदम भागा हूं, तुम्हारा कितना हुआ? 8,500 कदम चला हूं मैं सर, और गाड़ी में भी तो गया था ना। सर मुझे भी ऐसा स्मार्ट वॉच चाहिए जो सब कुछ नोट करता है, जिससे कुछ भी नहीं छिपता। क्या कहा तुमने? नहीं सर कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता, स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता, मगर हमसे एक बात छुपी है, एक बात छुपी है हमसे। कैसा? अभिजीत तुम और पंकज चोरी करोगे। सर आपने टॉवल मंगाया था ना? आपका टॉवल है। पूर्वी जल्दी से स्मार्ट वॉच का सारा डेटा ले लो। अरे अरे पंकज को इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी करो प्लीज, मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाना नहीं चाहता हूँ। एक मिनट। अभी तो मरवा दिया था तूने। सर मैं सीआईडी में ही अच्छा हूँ, ये सब चोरी वोरी मत करवाइए मुझसे। सर 24 अक्टूबर की सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये बात है तो ये बात है अभिजीत दया, चलो कहाँ सर? फिल्म दिखाता हूं सबको, लेट्स गो। ये सब क्या है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये सब क्या मजाक है? नहीं बिल्कुल मजाक नहीं, हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ एक फिल्म भी देख लें और थोड़े गप्पे भी लड़ाएं। लेकिन मुझे ना पिक्चर देखनी है ना गप्पे लड़ानी है, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? वो इसलिए सुनील जी कि हमें लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन के खून में तुम दोनों का हाथ है।
मिस्टर सुनील, तुमने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि 24 अक्टूबर की रात को 22 मिनट के लिए कहां गायब हो गए थे। कैसे बताएगा? मामला जो गर्लफ्रेंड का था, जिसने इनकी बीवी बच्चों के साथ उसे देख लिया था उसी रेस्टोरेंट में जहां पे वो मौजूद थी, तो भाई साहब उसको मनाने के लिए 22 मिनट के लिए गए थे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर सुनील? हमने तुम्हारा फोन रिकॉर्ड चेक किया तो पता चल गया था कि उस रात उसी रेस्टोरेंट में उसी समय एक नंबर और मौजूद था, और जब हम उस नंबर से मिले तो वो आपकी गर्लफ्रेंड निकली। सारा मामला साफ हो गया। तो फिर इसका मतलब साफ है अभिजी कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून सुनील ने नहीं किया। अब बचता है हर्ष। हर्ष, तुम मिस्टर एंड मिसेस नरेन को मार सकते हो, क्योंकि उनकी मौत से सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फायदा तुम्हें हुआ। उनका इतना बड़ा बिजनेस पॉकेट में मिल गया तुम्हें। देखो, आपको कुछ गलत है। बस अब सिर्फ इतना बताओ, फिल्म के इंटरवल में तुमने क्या किया? देखिए, मैंने आपके ऑफिसर को पहले ही बताया था, लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। इंटरवल में मैंने सबसे पहले कोल्ड कॉफी पी, उसके बाद मैं वॉशरूम गया फ्रेश होने के लिए, और वॉशरूम से निकलते थिएटर में सीधे अपनी सीट पर जाके बैठ गया। अब ये बात तो आपकी समझ में आई कि नहीं? नहीं यार, जरा करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। करके दिखाओगे? एक कोल्ड कॉफी देना प्लीज। फिर इसके बाद मैं वॉशरूम गया। तो फिर चलिए। आप लोग अंदर नहीं आएंगे? नहीं, हमारा हो चुका है, तुम जाओ। हो गया सब कुछ? अरे वाह दया, अभिजीत बिल्कुल तुम्हारे जैसा स्मार्ट वॉच, क्या बात है। ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं छुपा था, मैं दिया है। तुम्हारा हार्ट रेट अभी का 88 है, तो फिर 100 कदम चलकर 7 कैलोरीज खर्च कर चुके हो। लेकिन 24 अक्टूबर के रात को तो तुम्हारा वॉच कुछ अलग ही रिकॉर्ड बता रहा था। पूर्वी, जरा बताओ तो रिकॉर्ड। सर, कत्ल की रात इंटरवल से पहले इनके दिल की धड़कन 88 थी। ठीक है, लेकिन इंटरवल के बाद बढ़कर इनकी दिल की धड़कन 170 हो गई। यानी कि इंटरवल के दौरान, यानी कि 22 मिनट में इन्होंने 1000 कैलोरीज खर्चे। ये कैसे हो सकता है? 1000 कैलोरी सिर्फ कॉफी लेके वॉशरूम इस्तेमाल करने में 1000 कैलोरी बर्न हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन, मतलब 24 अक्टूबर को, तुमने ये कॉफी और ये वॉशरूम इस्तेमाल किया मिस्टर मिसेस नरेन के घर का, और वो भी पैदल, क्योंकि कार तो तुम्हारी यहीं पे थी। भाग भाग के गए, फोन किया, और भाग भाग के वापस आके फिल्म देखने लगे। लालच ने मुझे मजबूर किया नरेन की जान लेने के लिए। फ्रेडी, चलिए। सर। हाँ। मेरे मम्मी पापा के कातिल को पकड़वाकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं किया, ड्यूटी है हमारी। अब देखो, खुशी से रहो और अपना ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो कभी भी याद करना। हाँ, चल, गुड लक। थैंक यू सर। अरे चलो, फिल्म मिलेगी अभी भी देखने के लिए। क्या बात है सर, आपने भी ये स्मार्ट वॉच ले लिया? हाँ।
हाँ तुम लोगों के जैसा सोच रहा हूँ कल से सुबह 5 बजे जॉगिंग करने जाऊंगा। तुम लोग मुझे सुबह आकर पिकअप करना सब लोग। हाँ ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।